हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्स लर्नर में। दोस्तों JTJLCC मिस झारखंड टेक्निकल वैकेंसी का जो फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म भरने में गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलती हो गया है, तो आप उसको किस तरह सुधार सकते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन है, क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया है, इसका लिंक कब एक्टिवेट हो जाएगा, ये सारा चीज अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए JTJLCC वैकेंसी 2022 है ना, झारखंड टेक्निकल वैकेंसी है। ठीक है, इसमें वर्गीय अंकेक्षक की वैकेंसी है, सीनियर ऑडिटर का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें वेरियस वैकेंसी और है, बट हमको फोकस करना है यहाँ पर कि क्या चेंजेस करना है। ठीक है, अगर फॉर्म भरने में गलती हो गई हो तो फॉर्म सुधार लें। ठीक है, लेकिन कब सुधारना है ये भी आपको जानना है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि क्या गलती हुआ है, क्या सुधरेगा। ठीक है, देखिए अगर आपका नाम गलती हुआ है, डेट ऑफ बर्थ गलती हुआ है, ईमेल आईडी गलती हुआ है, मोबाइल नंबर गलती हुआ है, तो ये नहीं सुधरने वाला है। ठीक है, तो आपके पास अभी मौका है। ठीक है, ये चेक कर ले, आप चेक कर ले कि अगर आपका नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, ईमेल आईडी में गलती है, मोबाइल नंबर में गलती है, तो ये कॉपी चेंज नहीं हो सकता है जब फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, तो अभी आप न्यू जीमेल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, न्यू जीमेल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि फॉर्म भराने के बाद अगर एडिट करेंगे, एडिट का ऑप्शन होगा, उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, तो ये आपका भारी भूल है, आपको चेंज करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा ये चारों चीज को छोड़ दे तो बाकी जितना भी आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा एडिट का ऑप्शन में, जो लिंक एक्टिवेट होगा बाद उसमें वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कैटेगरी आपको चेंज करना है तो कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूआर हैं, ओबीसी में जाना चाहते हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हैं, नो डाउट। अगर आप ओबीसी में अप्लाई किए हैं, क्योंकि जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें एसटीएससी का सर्टिफिकेट नहीं था और आप बन चुका है, तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, हाँ, लेकिन जब आप एसटीएससी के कैंडिडेट है और आपको ओबीसी या जनरल में मूव हो जाना है, ठीक है, चला जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसटीएससी का ₹50 चार्ज होता है फॉर्म भरने समय, लेकिन अगर आप ओबीसी और यूआर में चले जाइएगा तो आपको अलग से ₹50 और लगेगा, क्योंकि ओबीसी और यूआर का चार्ज है ₹100 और आप पेमेंट किए हैं ₹50, तो अलग से इसका एग्जाम फीस तो लगेगा ही, और साथ में जो आप चेंज कर रहे हैं, एडिट करवा रहे हैं, ठीक है, फॉर्म चेंज करवा रहे हैं, उसका अलग चार्ज दिया जाएगा जो आपको जेएससी निर्धारित करता है। ठीक है, अगर आप ये पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास एग्जांपल है, एसएससी सचिवालय का 48 से 50 हजार फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी में अप्लाई किए हैं, हैंडीकेप हैं, तो आप भी इधर मूव कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं, हो सके आप इसको अपना हैंडीकेप वाला को रिमूव भी करा सकते हैं, तो भी आपको क्या लगेगा, चेंज कराना पड़ेगा, आप कर सकते हो। लेकिन इसमें आप मूव हो जाएगा यूआर और ओबीसी में, तो आपको जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम एक ही देख लेते हैं, आपका 20/7/2022 से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 22/7/2022 तक। ठीक है, तो आप इसको देख ले, अभी से ही देख ले, क्योंकि आपका 13 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद आप देखिएगा तो बहुत भारी भूल हो जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, तो आप बाद में चेंज नहीं करा सकते हैं। आपके पास अभी मौका है कि न्यू जीमेल से आप कर ले, न्यू जीमेल से। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो चलिए चैनल पर बने रहिए एंड थैंक यू।